अच्छा जी, ये कोई भाई इन बुज़ुर्गों के लिए बात करना चाहो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अब्दुस्सलाम है इसका नाम, अब्दुस्सलाम है भाई का, यू इनका बुज़ुर्गों के लिए बात करवा देगा। 0092308870200 ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करिए मैंने, और ये दिखने भी लग रहा है नंबर, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बात करोगे तो आप बुज़ुर्गों के लिए बात करवा देगा। या यू एक और नंबर है भाई का है, अपना यू है भाई का नाम है जी एहसान, अपना ये नंबर है 0092301433954, ये है ना, ये भी व्हाट्सएप पे है, इस पे भी कोई बंदा कॉल करेगा तो ये भी बुज़ुर्गों का गला बात करवा देगा। इस वक्त जी मैं बैठा हूँ जतोई, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील है जतोई, और ये लाहौर का है, लगभग अपना 450 किलोमीटर पड़ जाए ना, और मुल्तान तक लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। ये इंटरव्यू तो बुज़ुर्गों का मैं पहले भी कर गया था, लेकिन बस वो प्रॉब्लम हो गया, वो इंटरव्यू ख़राब हो गया था, वो एडिटिंग करने वास्ते मैंने कुछ वो दिया था जोड़ने वास्ते, एक भाई था उस पर डिलीट हो गया या क्या हो गया, उन्हें दोबारा आना पड़ा ही, तो ये बुज़ुर्गों को पूछा, बातचीत करा, और अपना अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों, क्या हाल, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कोई हिंदुस्तान की बात पूछूंगा तरफ है। अच्छा उधर तो सामने बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप बात करा ना, उधर बैठे हैं तो वो तो कैमरा पकड़ रहा है ना। अच्छा थोड़ा अग्गा हो जाए यार, आवाज़ तो थोड़ी ना, ये थोड़ा सा ये ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। शमसुद्दीन और घर वाला साहब क्या नाम था? मोहम्मद यासिन, वहाँ तो बूढ़ा कह रहे थे। अच्छा अच्छा वो तो कोई ना, तो अपना आज भी ये रिवाज है, कोई काला कोई बल्ला कुछ नाम बच्चा के। अच्छा तो हिंदुस्तान में कौन सा गांव में रहा करते भला? सहरसा। सहरसा क्यों, सहरसा गांव था? गांव था। अच्छा जो सिरसा जिला है वो और है? हाँ वो दूसरा, ये एक तहसील थी ना उस दौर में सहर की, वो और है? हाँ वो तो और है। अच्छा ये तो कौन सी तहसील में था? कैथल। कैथल और जिला? करनाल। जिला करनाल तहसील कैथल थी। अच्छा इसके अलावा तो पता कौन से गाँव थे कोई? इसके अलावा तो है बस ये बेवा था, डाकाना और बारना और संदौली, फिर संदौली चले गए थे हम। थोड़ा ऊंचा बोलियो। अच्छा और थनेसर शहर था ये भी? हाँ ये भी ये तहसील थी, दूसरी तहसील थी। हाँ और ये दूसरी तहसील थी करनाल की, ये थनेसर, ये भी सुना क्या कुरुक्षेत्र? हाँ कुरुक्षेत्र और बस इन्हें होते छोटे छोटे गाँव, हाँ काफ़ी थे बस। अच्छा गुंथला और ये आस पास कोई 5 कोस पे 4 कोस पे पबनावा कौल ये रोड के गाँव थे। अच्छा अच्छा रोड हिंदू कौम थी? हाँ हिंदू कौम। अच्छा तो अपना और तो रिश्तेदारी भी नहीं गाँव में थी? हाँ बस इन गाँव में, फिर सबात था, सबात त्याग गए तो वहाँ जरा वहाँ रिश्तेदारी थी, सलपाणी रंगड़ा का गाँव था, वहाँ हमारे वहाँ मिलाने थे ठीक, तो इस तरह जानसा ठसका आस पास गाँव थे ठीक ठीक। तो अच्छा ये तो तारा गाँव था कौन सा? सहरसा। कितना अच्छा बड़ा गाँव था कि? हाँ बड़ा गाँव था, 4 पट्टियों का मेरे ख्याल में, वार्ड वाड़ा ना कहते उस वक्त पट्टी। हाँ वक्त सुने थे हम 4 पट्टियों का गांव था। अच्छा अच्छा बढ़िया की कई दुकान थी, उन पट्टियाँ की किस्म थी, फलाने की पट्टी फलाने की कोमा के साथ है? हाँ कुछ कोमा की थी, ये या जासो या वैसी इस तरह, जासो तो मेरे नाम है, इस तरह दिंगड़, दिंगड़ भी एक बार वो थी पट्टी पट्टी इस तरह थी। वही मैं पढ़िया इसमें सहरसा में, सहरसा में 4 जमात स्कूल था, स्कूल था 4 जमात का। अच्छा उसका मास्टर था ईरा, ईरा लाल मास्टर। ईरा लाल वो सहरसा में था? हाँ ईरा मास्टर। किस कौम का था? जाट। अच्छा वो मेरा मास्टर था? मास्टर था नहीं उस पर पढ़े मैं। अच्छा ईरा लाल एक क्या था बस? हाँ एक ही था बस, 4 जमात पढ़ाए कहते। अच्छा एक ही साथ पढ़ाया करता? हाँ। पूरा स्कूल में एक साथ चला। अच्छा हाँ और उसका छोरा था बिरजू लाल। अच्छा वो भी तेरा क्लास फेलो था ना? वो आग गया था। अच्छा वो आग गया था, तेरा स्कूल में पढ़ के गया होगा?
हाँ वही बस उसके बाप का तो था एक बड़ा हाँ वही बड़ा और वहाँ उसी एक बड़ा सब थे जलदार था वहाँ अच्छा। उसी की चला थी बख्शी जलदार। अच्छा बख्शी जलदा तरगाम का था। हाँ ठीक, वो भी तो जाट था। हाँ जाट था वो भी। अच्छा जाट काफी थे तरगाम में। और सारा गांव जाटा का अच्छा था। जाट हिंदू जाट थे कि मुसलमान भी थे कोई? हिंदू मुसलमान तो बस और कौम थे जाट मुसलमान नहीं थे। ना जाट मुसलमान किस किस कौम के थे? मुसलमान हम लोहार भाटी थे और अच्छा जी दिल्ली थे अच्छा इस तरह और छिम्बी थे मुसलमान। मुसलमान और हिंदू किस किस कौम के थे? हिंदू तो सब थे जाट हो गए। जाट हो गए फिर बाणी है वह भी हिंदू थे जलाए थे वह भी हिंदू। अच्छा ब्राह्मण भी थे। अच्छा हाँ ब्राह्मण भी थे कुछ देखिए अब्दुल मान ने रुका मार के पता नहीं अंदा बस और तरह गांव में ही और कौन भी थे? चूड़े चुमार भी थे। हाँ छोड़े चुमार भी थे चुमारा भी दुकान थी नाई भी थे वह भी हिंदू थे बालों नहीं पैसे मंडवाए करे थे उस तरह तो पैसे दे कर तो नहीं आजकल की तरह मंडवा बस उसमें फसल पे या 6 महीने में अच्छा। पैसे दिए कर सेफ्टी सिस्टम क्या हाँ है सेफ्टी उसमें? किस्म आज भी रहता हूँ चल रहा ना नहीं। बस बख्शी जैलदार हो गया गांव का चौधरी हो अलग हो एक रहता अच्छा उसका नाम देवतिया प्रधान था। अच्छा ज्योति अपना उधर हाँ गांव का था। हाँ ज्यादातर कई गांव का होगा। हाँ और उसकी दूर दूर चलाए थे अच्छा, और किसी के नाम याद है ना? बामणा के बाड़िया के। ब्राह्मणा का प्रसादा ब्राह्मण था अच्छा उसका छोरा जागर था वो मेरा क्लास फेलो था 4 जमात का और वह था एक क्लास फेलो था जोगी का राधा अच्छा राधा एक था और प्रसाद बाणिया का नाम था पूर्ण बाणिया करता बाणिया। हाँ अच्छा इनकी दुकान थी दुकान थी मेरी और पूर्ण हाँ प्रसाद। पूर्ण करता बोलर बाणिया उनका अच्छा बड़ा था और तेली से वह जन से वह भी मैं मुसलमान थे हाँ मुसलमान थे। मैं आ गया। मैं हाँ मैं सिंध में आ गए ये पाकिस्तान में सिंध में बैठे थे। हैं। हाँ सिंध में बाबा तो बड़े तो फोटो अच्छा इस तरह तर सहरसा के तारे कुड़ में के अलीपुर में भी है कोई? अलीपुर में सहरसे का एक दो घर था पहला बस हो गया। वो मेरा क्लास फेलो था, मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज पढ़ा करता ना, कौन उसका नाम भूल गया, छोरा था भी तेरी बिरादरी के, वो उन्होंने क्या कहता मैं सहरसा का हूँ लेकिन मेरे याद हो उसका नाम भूल गया, वो क्या कहता वाली भूल का हूँ कहाँ मिला था टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान पढ़ा करता, डिप्लोमा केमिकल का डिप्लोमा कर डी नुमान तो नहीं था नुमान शायद नाम 2002-2005 सेशन की बात है। बस आया तो ये खानगढ़ रहे मैं अलीपुर बताया था। अच्छा चलो बहरहाल तो अलीपुर अलीपुर ये चट्ठे क्यों गए अलीपुर चट्ठे में नहीं 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 तो अच्छा नू तो तरगाम में जो से भी यानी मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, हाँ जिस टाइम पाकिस्तान को नहीं बना था कई जगह रह करते इकट्ठे गाँव में, हाँ जब उस टाइम इनका आपस का भी हिंदुआ का मुसलमान का रहन सहन किसक था कोई आन जान बैठने को नहीं कैसा? तो बहुत इत्तेफाक था आपस में अच्छा उस टाइम उनको नहीं थी भी ये मुसलमान है ना या ये कोई वो नहीं बड़ी गाय का गोश्त बड़ी हमदर्दी थी। अब अच्छा जब ये गदर पड़ा फिर होया वह बिल्कुल ये गदर पड़ने से पहले 1.5 साल पहले हम संदौली चले गए थे। हाँ संदौली तो आपका इस सरसद है तारे करके पूरा कुटुंब ना लोहार बाड़ी जो भी थे सारे हाँ क्यों कोई 15 घर थे वे क्यों चले गए थे ये कोई तनाजा हो गया था उन जाटों के साथ किस बात पर? वो काम करे करे थे ना आला का बस वो कुछ अनाज भाई मरा जिससे दिहाड़ी बढ़वा लेने हमें तनख्वाह बढ़वा ले। अच्छा भाई इतना नहीं भाई इतना दो मान हर पीछे अच्छा। मगर हम तो नहीं देते बस हमारी किस्मत अच्छी किसी का रेट बता देना। हाँ रेट बता दे तो बख्शी जालदार रिश्ते पहला बहुत हो गया था बड़े कहें जो जिंदा
और शासी आदमी दर बड़ा चलने पर और नहीं उठन देता और रख लेता आटे ने गंदा थोड़े तम बने दो सौ दाने में और पर मारी भी किस्मत अच्छी थी निवा हाँ दे तो मैं फिर मारा मुझे लंदे फिर तो जूते पड़ते उस टाइम हाँ फिर जब चारों तरफ से बढ़ गई संधौली था छोटा कौन अच्छा तो फिर डेढ़ साल पहले संधौली चले गए हाँ संधौली अच्छा उस टाइम तक इस तरह की कोई बात नहीं पता कौन था मुझे जाना पड़ेगा या कुछ इस ना ना उस वक्त तो अमन था बस कोई अमन में चले गए थे हाँ संधौली बस फिर ये जब ये पार्टीशन हो गया तकसीम हो गया बल्कि अब्बा मेरा संधौली थे सहरसे थे दो एक मील पे गरार सी गाँव था वहाँ काम कर रहा था फिर मेरे को भी ले गया भाई थोड़ा मेरे साथ था वहाँ सपोर्ट करा था मदद करा लगने का हाँ रंधा खंजवाने ने और वहाँ ले गया फिर ये गड़बड़ लग गई उन्होंने जिसका काम कर रहा था अब्बा वो था भी जिम्मेदार बड़ा उसका डेरा डूरा था उस पर आकर टिके कर दे रहा था अच्छा फर्नीचर उस टाइम भी बनाया करते हाँ इस तरह था नहीं फिर इधर हुआ था दरवाजे दरवाजे अच्छा अच्छा ये काम ज्यादा था अच्छा फिर वहाँ फिर एक दिन रात ने मैं तो सो गया बच्चा था वहाँ जो तीन चार मेहमान आए चार पांच उनके चौधरी आ गया जिनका काम करे थे वहाँ फलानी जगह जी इतने मार दिए मुसलमान ने दो तीन गोल गोल कर देखे और जिसकी खतना हो गई हुई उसने आपस में बात कर रहे मारा मेरे बेगा चार पाई थोड़ी डेढ़ थी अब्बा तो शाना था वो जागता रहा सोता रहा उन्हें सोचा सोया पड़े हाँ वो फिर वह सुबह को तो चले गए फिर जिसका काम कर रहे थे उससे बोले अब्बा चौधरी साहब ये कहाँ के थे कौन थे बंदे हाँ अगमिस्त्री तो सुन रहा था बात था काम है ना तो सारी रात नींद नहीं आई फिक्र में हाँ हम तो थरे अगवा मिस्त्री है क्या बात क्या कितनी लड़ाइयाँ भी हो रही हों तो लाहौर छोड़ का हूँ अब ये फिक्र ना करें अब अच्छा चलो फिर मैं छोरे ने तो लड़के ने तो घर छोड़ घर छोड़े हूँ मैं कल्ला फिर काम करूँ मेरे को जो छोड़ने आया घर फिर सहरसा रास्ते में हुआ था अच्छा रास्ते में आ गई हाँ वो बारिश सी आ गई एक उसमें बैठक में बढ़ने लगे दाखिल होने उस वक्त उन्होंने भी आंखा फेर ली अच्छा। और मिस्त्री उड़े ना आया करो अब्बा बोले क्यों क्या हो गया कल हम यही नहीं रहते ना ना बस कह दिया थर ते बनाई बनाई अच्छा देखी जाओ वो फिर वहाँ आते बारिश सी थम गई घर आ गया अच्छा यानी उन्होंने रेड कौन दिए बारिश में भी हैं यानी बारिश में भी उन्होंने आपका कौन रखे हाँ बस फिर हम वहाँ ले आया अब्बा संधौली आ गए रात कटी अगला दिन वो फिर तो बढ़ती चली गई फिर नहीं वापस जान दिया आया तो था मेरे को छोड़ने के लिए फिर तो जा ही नहीं सके वो फिर बाद में अच्छा यानी काम वो करना तेज हो गया हाँ अच्छा वो सांस फूंक लिए औजार सारे वहीं रखे फिर खत्म था बतौन धीरे उसके साथ चौधरी के साथ पूरा पाकिस्तान हाँ अच्छा अच्छा और बोल रहा मिस्त्री तेरे औजार जिस तरह रख कर गया था उस तरह रखे हैं और रखे मंगे तो हैं आ गया मिस्त्री हिंदू बाड़ी वो फिर अब्बा ने काफ़ी दिनों बाद कह दिया कि अच्छा दे दे बस मराना मुश्किल है दोबारा भाई इस तरह अच्छा नहीं सुन तो लीड फिर तो जिस टाइम आया तरह बार तुम वापस आ गए तो तार किस तरह उसी टाइम प्रोग्राम कर लिया जाने चलो होता है संधौली वाले ना तार गए किस तरह ना फिर संधौली फिर तो इकट्ठे जत्थे हो गए दाड़ बोलने गए थे उस वक्त हाँ दाड़ चढ़ गए हाँ दाड़ चढ़ गई भाई फलाने गाँव पर चढ़ गई दाड़ फिर वहाँ भी आज यहाँ संधौली पर दाड़ चढ़ेगी इसके दौरान मैं अभी जब ये न्यू हुई ना वो प्रधान जो था चौधरी उस पर इतला भेजी बड़े बड़े अब्बे ने या और दादे ने अब प्रधान हम यहाँ आ जाए थारे पास अब हमारी जान बच जाए किस दिन उस तरह पुराने सहरसे हाँ सहरसे वाले पर चौधरी पर उसने फिर ईमानदार था बेचारा उधर से देवतिया प्रधान प्रधान तो बोल रहे हैं बड़े ना बड़े ने देवतिया उसका नाम ना, अच्छा
ਜੋਤੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮੂਰਾ ਜਾ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ ਖੁੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਦਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਧਰ ਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਬਈ ਇਤਲਾਹ ਕਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੀਚ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਬ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭੇਜਾਂ ਇਹ ਉਸਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਥਾਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਂ ਨਾ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਈ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਾਤ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥਿਆਈ ਮੈਂ ਬੰਗਲਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਤਿਆਗ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲਾ ਵਾਂ ਚੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਥਮ ਕੱਟ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬਸ ਅਬ ਜਾਨ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਬਚਾ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਵਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੇ ਚੱਲ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤਾਰਾ ਇਤਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਹਾਂ ਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਥਾਏ ਹਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਥਾਏ ਅੱਜ ਸੰਦਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਾਮ ਕੀ ਤਲਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਗਾਮ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਗਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਿਊ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇ ਗਾਮ ਕਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੜੋਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਥਾ ਨਾ ਉਤਰ ਪੜੋਸ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸਮਝ ਹਾਂ ਚਾਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਥਾ ਅੱਛਾ ਹਰਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਰੰਗੜਾ ਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰ ਥਾ ਉਂਚਾਈ ਪੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਨਿਚਾਈ ਪੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੇ ਉਂਚਾਈ ਪੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਤੀ ਬਸ ਚਰੀਆਂ ਖੜੀ ਤੀ ਕਮਾਂਦ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਕੇ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਗਿਰਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਵਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਹਮ ਵੀ ਵਹੀ ਗਏ ਤੇ ਅਰਣਾ ਅਰਣਾ ਭਈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਵਾ ਚਲੋ ਆ ਚਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹਮਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੀਰਣਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੜ ਗਏ ਥੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਬਾਅਦ ਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਧੋਲੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਣਾ ਆ ਜੇ ਅਰਣਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰਹੇ ਅਰਣਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਲੇੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਤਲੇੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਧੋਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਇਸ ਬਗੈਰ ਹਮਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੰਧੋਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਲਪੋਂ ਕੇ ਗਏ ਰਾਮਗੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੰਧੋਲੀ ਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਣਾ ਮੈਂ ਅਰਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਰਣਾ ਪੈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਾਂ ਤਲੇੜੀ ਗਏ ਤਲੇੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਕੰਮ ਬ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਸਬਾਦ ਕੰਪ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਬ ਨੇ ਬਲਕਣ ਅੱਬਾ ਔਰ ਚਾਚਾ ਦੋ ਚਾਚੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਅੱਬਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਛੋੜਿਆ ਇਸਕੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਰਪਾਣੀ ਸਰਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਅੱਛਾ ਸਰਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੋੜਤੀ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਇਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਭ ਬੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋ ਲੱਗ ਜੜੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਫ ਕੀ ਫਸਾ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇ ਗੱਡੇ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਬੜੋ ਸਮਾਨ ਲਾਦ ਕੇ ਛੱਡੋ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਬਾਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਗੱਡਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸਬਾਦ ਕੰਪ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
अच्छा इकट्ठे हो गए सारा इलाका अपसेट ठसका भी सलपाणी भी जानसा और इधर उधर के भी गाँव छोटे इकट्ठे हो गए वहाँ पहुँचा वहाँ कंप की हिफाजत करने वास्ते पहला वो आर्मी थी उसकी नेपाल की गोरखे मैं सारे शरारत लग गए कर अच्छा कुछ एक दो शिकायत सुनी उनकी वो फिर ऊपर फोन फान कर फिर पाकिस्तान से अपनी मुसलमान मिलिट्री ऐसा पानी तो मारकंडा दरिया चल रहा था उसमें तो कम लेते बाकी कुएं थे हठ चल रहे थे वहाँ से पानी भरे थे अच्छा और फिर बकराईद भी वहीं आ गई वहाँ जब से बड़द लेके आए थे वहाँ फसल कुर्बानी करे रोने वहाँ करे वो दो तीन महीने हाँ वहीं रहे वो फिर स्पेशल लगी बीमार हो गए बहुत मेरा भाई था एक उसका छे चक निकल गई उसने बड़ी खुशी थी भाई ने भी लेकिन पाकिस्तान नहीं था बहुत सी फिर उसी में कुछ हुआ एकदम दरहम झोपड़िया में बैठे थे फिर बाहर निकले हवा लग गई और वह तकलीफा बढ़ गई और भी दुनिया हो गई होगी बीमार हाँ बहुत अच्छा। लुधियाने के पास ना गाड़ी में बहुत हो गए फिर मिलिट्री से गया अच्छा काफ़ी लोग हो गए हाँ बच्चे अक्सर बीमार अच्छा। बहुत हो गए फिर मिलिट्री ने कहा यानी ट्रेन चलती ट्रेन में और तो सारे आदमी तो ऊपर बैठे हुए थे और तार बच्चे भाई के बीमार की वजह से अब्बा भी फिर अंदर ही बैठे थे फिर मिलिट्री ने कहा भाई पाकिस्तान तो बहुत दूर है लुधियाने के पास एक नहर है बहुत बड़ी उसमें गिर दियो नहीं पाकिस्तान जाते तो लाशा छड़ सड़ जाएंगी फिर उसमें गिरे बहुत सारे ना बस मट्ठी कर ली जमीन अच्छा ओली कर ली जमीन अच्छा हाँ बस कपड़े में पेट का जो कुछ सरिया उसमें लपेट दिया मैं रोकते भी रहे मैं भी रोक रहा अपने नाम से बुक मैं भी क्या करें और फिर मैंने देखा नीचे गया फिर ऊपर तिरया एक मैं तो फेंकना नहीं आया मैं नहर में उसका भारी पचने से गिर गया उसका तरह एक भाई फिर वहाँ से आ गया मुजफ्फरगढ़ लगी मारी तो ट्रेन अच्छा तब लाहौर को नहीं रुके लाहौर तो रुके नहीं भी उड़ा कैंप में कौन गए ना कैंप में नहीं गए बस गाड़ियों में बैठे डायरेक्ट गाड़ी में बैठे बिठाए बैठे बिठाए अच्छा सीधी मुजफ्फरगढ़ आ गए मुजफ्फरगढ़ आ गए यानी कैंप फुल हो गए होंगे जिस तक हमारे कैंप में जगह ही नहीं बची हाँ कैंप में जगह नहीं बची अच्छा फिर यहाँ आ गए मुजफ्फरगढ़ अच्छा वहाँ एक दो दिन रहे वहाँ बैदल माना मैं थे खाने खुने ना मिले फिर वहाँ थे पहला हम डेरेगा जी कहाँ गए डेरेगा जी कहाँ थे डेरेगा जी हम किस चीज़ पर गए ट्रक ये फौजी ट्रक अच्छा। आए थे कपड़ा सा था ऊपर उसमें बैठ के वहाँ ले गए दो तीन दिन वहाँ रहे फिर अपनी अपनी मर्जी से जहाँ फिर हमारे घर वहाँ चले गए कुछ दिन और छुट्टा है अच्छा अच्छा मतलब डीजे खाने कर लाए फिर रामगढ़ वगैरह सारे सुधर ली गए यहाँ मेरी भी ना तबीयत खराब हो रही है ठंड उस दिन भी नुए हो रही थी दवाई लेकर आया उसने हमें बात है ये ठंड होते ना खराब हो रही तबीयत अच्छा अब वो डला डल भी नहीं क्यों ना चलो मैं भी पी खाया बस अच्छा फिर डेरेगा जी का फिर अपना कितने दिन रिकॉर्ड छुट्टा है वो छुट्टा है बस महीना कर रहे हो मकान मकून मिल गए थे अच्छा फिर बड़े लगे घर में जहाँ संदौली के रामगढ़ बैठे हैं वहीं चलो अच्छा अच्छा यानी पीछा तालुक वास्ता हाँ मैं यहाँ तो सारे नवे बंदे हैं वो ऊँटा में बैठ कर फिर बचाया मैं बीच में न दरिया मैंने यहाँ न जामपुर ने आकर अच्छा अच्छा बीच में रामा को आगे मैं फिर यहाँ
बस उस टाइम तो उड़े आ गए। हाँ अच्छा, पूरा काफ़ी सारे लोग आ रहे थे हिमाचल पहले। हाँ ये किस किस गांव के हो रहे हैं? पूरा दुनिया बाजरे के और उसके संदौली के अरना के और मुख्तलिफ भी हैं फिर थोड़े थोड़े इसके रोहतक के सार के। नहीं कौन से काम आ गए हाँ नहीं तो नहीं पता है गाँव के हैं जमसा है जमशेर हैं गुलशेर रोहतक रोहतक हाँ रोहतक रोहतक के सार के भी हैं ये तारे करनाल के गाँव। हाँ अच्छा 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 और वो किस किस कौन के हैं यहाँ तारा अलीपुर में यू जतोई में किस किस कौन के हैं माजरा में? माजरा में तो बस सुनियो तो बड़े बड़े तो बस राजपूत हैं सारे गाँव के मिला ले बड़े कुंडे। अच्छा ज्यादा राजपूत बाकी है। फिर रहमानी भी हैं काफ़ी हैं रहमानियों के भी घर काफ़ी हैं और हमारे मुगलों के भी हैं बाकी बस इस तरह ये फिर छोटी छोटी कौम थोड़े थोड़े घर थोड़े थोड़े घर हैं काफ़ी है माजरा शहर। हाँ माजरा अद्धा शहर अच्छा। माजरा का अद्धा न्यू बाजार ते उड़ा उड़ा है माजरा और बाजार से भरन है सारे अनसार हैं। अच्छा अच्छा मोगरा के मुकाम नहीं है वो भी फिर बाहर वही भी इस तरह होता है तो फिर मैं खड़ी हूँ। हाँ मैं भी ना शहर ते बाहर भी जिस तरह आबादियाँ पूरा ना हो रही हैं ये तो शहर है तो आबादी फैल दी जाना अभी नहीं हो रहा ने अपना माजरा किया ज़्यादा बना ने सारा किया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक अच्छा तो कभी तार दोबारा भी रहा हो या हिंदुस्तान को गया हुआ है या कोई रह गया हुआ तारा को रिश्तेदार बस हमारी तो कोशिशें दर रही अब्बे की भी चाचा की भी लेकिन वो कोशिशें नहीं हुई। अच्छा जान की हाँ वीजा नहीं मिला जान की भाई जाएंगे बस कुछ वीजे और कुछ आज जाऊँ कल जाऊँ करा कोशिश यानी बड़े जाए नहीं गया दोबारा यानी कोई नहीं दोबारा जाए नहीं गया बस और तो गए एक दो यहाँ थे दिल्ली गया था कौन सा काम था पुपना वाला। अच्छा के बताया आगे उन्हें और आगे लोग सही मिले मिले हाँ जब तो अच्छे मिले बड़े हैं अच्छी तरह मिले और यहाँ के गए भी मिले। अच्छा पहला जाना पड़ा था उसने बताया। अच्छा अच्छा यानी पूरा की हिंदू थे जो से मैं भी मिले। हाँ यहाँ तो गया फिर वह हाजिरी देनी पड़ी थी थाने में। हाँ पेवा पेवा गया हाँ भाई अब मैं पाकिस्तान से आया हूँ थानेदार से मिलना और बोले अब मुंशी मानसी भाई ना रहा और ना क्या होगा और ना कह निकले अग में हाँ भाई अजी मैं पाकिस्तान से आया हूँ अच्छा मेरी पूरा हुआ जाना मैंने पाकिस्तान में कहाँ बैठा कि जतोई किस तरह आप जी अच्छी तरह रह रहे हैं मुझे बस हो थानेदार ये तो तने बात मेरी ना पसंद की गई अच्छी तरह परदेश परदेश में तो अच्छी तरह हो ही नहीं सकते मैं सुबाया वाले का हूँ सुबाया वाला आया तो डेडेक मिल पे। अच्छा मुझे तो ये हो गया तो मैं सुबाया वाले का चढ़ो आया बताया पता नहीं कुमार हूँ लेकिन यहाँ मैं थानेदार भी लग रहा हूँ सारा कुछ हो गया। हाँ लेकिन मेरे अपना मुल्क याद आवा है सुबाया वाला अपनी जिंदगी याद आवा है मेरे इस तरह गप्पा सप्पा बातें चिंता करके फिर उसने लिख लुख दिया जो कुछ लिखना था फिर वो बनावा जाकर आया कहते भी याद आवा था ये आया हूँ मैं बनावा जो आया दोबारा जैसे मेरे भी याद आई थी जिन्होंने कैसे कुर्सी आन की। अच्छा एक और तुम तो खैर बाद में आए लेकिन तुमने सुना हुआ उरा है इस जगह जो हिंदू रहा उरा के मुसलमानों ने उन्होंने की जैसे रोक कराया उरा के मुसलमानों ने भी हिंदू सुकून तक गए सुकून तक गए या उरा कोई मार काट करी उन्होंने उड़े इतने नहीं करी मार काट जितने हिंदू ने उस पास ज़्यादा थी। हाँ अच्छा उड़े तो इतने नहीं करी है नहीं समझा तो। अच्छा तो यानी उन पे फिर उसने उसे क्या कहता है कहता भाई मेरा जी कर रहा था जो देखना आया था नुए को आना थोड़ी जी कर रहा है उसका ये हुआ उसने तो बस मैंने तो
मुक्तसर सुन रखी है। अच्छा नहीं तेरा अब्बा तेरे चाचा और भाई हो तो जा नहीं सके, कैसे तब नहीं सोचा जान की तेरे दिल में नहीं भी देखे होगा। हाँ मेरे दिल में क्योंकि देख रखे ना मैंने भी सारा मेरे सामने है। नहीं ईब इरादा करे कदे जान का? हाँ इरादा तो है अभी या गुंबद जमी खराब सी है उधर से भी इधर से भी। हाँ ये दोनों काम खराब हो गया है दोनों खराब। पहला और आते के अंदर है जानते रहे मैं गुजरा वाले थे रिश्तेदार गए भाई माँ जब तुम जावा है मेरे को मिले मेरा भी वो बनवाइयो वीजा पासपोर्ट तो मैंने बनवा रखा। अच्छा पासपोर्ट बन गया है। लेकिन ये तो शर्त वह है भी तार है ना कोई तर गाम का बंदा तो ना बुलावा कोई तो फिर जा सको हो। चलो ये वीडियो में शायद कोई अपना बस देख ले शायद कोई बात कर। लेकिन तारा नंबर दे दूँ मैं कोई व्हाट्सएप नंबर है या किसी का जो सा इन बुजुर्गों के ना कोई बंदा तार गला ना नंबर दे दूंगा मैं वीडियो को शुरू में जो कोई बात करना चाहोगे ना तरला बात कर लेगा फिर वहाँ का हिंदू। हाँ हिंदुस्तान के जोड़ से होंगे ना तार गांव वाले हिंदू जोड़ से रह गए पीछे तार गांव वाले बस वो तो अब उनकी भी औलाद होंगी अपना। नहीं नहीं शायद कोई औलाद बेटे होंगे मारे की तरह केवरा को जान जाए बाप का शायद केवरा मेरा अब्बा का दोस्त था यू क्लास फेलो था कोई ना कोई शायद को तार कितने जिंदे भी हो लाजमी तो को नहीं मकबूल तो कहा जावा मकबूल न कर रखे इरादा वो रबता किसी के लिए। अच्छा अगर भाई मेरा हमारा बुजुर्ग आना ना कह जावा कभी। अच्छा अगर अच्छा भाई आवा तो अच्छा हम आप ख्याल करेंगे वो तो क्या चलो शायद मकबूल का है तो फिर तो हो जाएगा। चलो इसमें भी वीडियो में भी को सुन ले तरगला ये वीडियो दे दी ना कि तरगाम वाले वो भी कर लें रबता कर भी लें बातचीत भी कर लें कई बार। चलो ठीक है फिर अस्सलाम वालेकुम।